गाड़ी वाला आगे तेज रफ्तार लग्जरी कार जिसमें शराब के नशे में धोते एक नाबालिग लड़का बिना किसी की फिक्र किए कार चलाता है और इस बेफिक्री की वजह से दर्दनाक हादसा होता है। हादसे में दो लोगों की मौत हो जाती है और जज साहब 300 शब्दों का एक निबंध लिखने की शर्त पर आरोपी को जमानत दे देते हैं। ये किसी फिल्म या वेब सीरीज का प्लॉट नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के पुणे में घटी एक सच्ची घटना है। जी हाँ, ये पूरी घटना देर रात 18 मई की है जहाँ दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाइक से किसी पार्टी से लौट रहे थे लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हंसती खेलती जिंदगी के पीछे मौत बनकर एक कार आ रही है। दरअसल तेज रफ्तार पॉर्श कार चलाने वाला लड़का पुणे के एक नामी बिल्डर का बेटा है जिन्होंने अपने नाबालिग बेटे को 3 करोड़ की लग्जरी कार दे रखी थी। लड़के का नाम वेदांत अग्रवाल है, वो आधिकारिक रूप से नाबालिग है और 17 साल 8 महीने का है। आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल ब्रह्मा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बिल्डर है और पुणे के नामी बिल्डर्स में से एक है। दरअसल आरोपी ने अपनी कार से एक बाइक को टक्कर मारी जिस पर एक महिला और एक पुरुष सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि मृतक काफी दूर तक घसीटते हुए चले गए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने चालक यानी कि वेदांत की खूब पिटाई की, गाड़ी पर भी तोड़फोड़ की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया लेकिन 14 घंटे में ही आरोपी को जमानत मिल गई। इस शर्त पर कि आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा और 15 दिनों तक यातायात पुलिस के साथ काम करना होगा। अब परिस्थिति को थोड़ा सा पलट कर देखिए, क्या मरने वालों में अगर कोई रईस परिवार का होता और ये दुर्घटना किसी गरीब ट्रक ड्राइवर से हुई होती तो क्या उससे भी लेख लिखवा कर उसे छोड़ दिया जाता? बिल्कुल नहीं। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि आरोपी की पॉर्श कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से चल रही थी। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें कार की तेज रफ्तार साफ देखने को मिल रही है। साथ ही कार पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। मृतक अश्विनी और अनीश इंजीनियर थे और पुणे की एक कंपनी में नौकरी करते थे। मृतक के परिवार वालों ने कहा कि आरोपी को पुलिस स्टेशन में लग्जरी ट्रीटमेंट दिया गया। वहीं पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने अदालत से आरोपी को वयस्क मानने की अपील की है और उसकी हिरासत मांगी है। उन्होंने कहा कि पुलिस निचली अदालत के जमानत आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील करेगी। वहीं इस पूरी घटना की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी कई लोगों ने निंदा की है। इसके साथ ही देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। लड़के को जहां इस मामले में कुछ घंटे के बाद जमानत मिल गई तो वहीं अब उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद से ही वो फरार था। लड़के के बिल्डर पिता को महाराष्ट्र के ही छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया है और उसे अब पुणे लाया गया है। लेकिन फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन पर कोई सख्त कार्रवाई होगी। इसका कारण ये है कि न्यायपालिका को नचाने के हथियार इन लोगों के पास है। बड़े वकील हैं, पैसा है, प्रभाव है, संपर्क है और फैला हुआ कारोबार भी है, तो इनके आगे दो मामूली लोगों की जान की भला क्या कीमत होगी? ऐसी न्याय व्यवस्था पर भला लोगों को क्या भरोसा होगा? डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।